दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 26 जून 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको दो क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्पेस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नई स्पेस बॉडी बनाई है, आपको उसका नाम बताना है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने इन स्पेस नाम से एक नई गवर्नमेंट बॉडी बनाई है जो स्पेस इंडस्ट्री को बूस्ट करेगी। इस इन स्पेस का फुल फॉर्म क्या है? IN मतलब इंडियन नेशनल, और स्पेस का फुल फॉर्म है स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। मेन पर्पस इस बॉडी का है प्राइवेट सेक्टर को स्पेस डेवलपमेंट में या स्पेस एक्सप्लोरेशन में इन्वॉल्व करना। अब जो इसरो है उसका मेन फोकस स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होगा, ना कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में। गवर्नमेंट का काम ये है, मतलब गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है। इसके अलावा जो NSIL है यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो इसरो की कॉमर्शियल आर्म है, उसका पर्पस जब होगा सप्लाई ड्रिवेन ना होकर डिमांड ड्रिवेन मॉडल पर वो फोकस करेगी। तो ये सारे जो फैक्ट हैं ये इंपॉर्टेंट थे इस क्वेश्चन से। नई स्पेस बॉडी का आप नाम याद रखिएगा, प्राइवेट सेक्टर को स्पेस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व करने के लिए इन स्पेस नाम की एक नई स्पेस बॉडी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत पास किए गए नए ऑर्डिनेंस के अनुसार अब RBI के सुपरविजन में कितनी कोऑपरेटिव बैंक शामिल हो जाएंगी? तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने जितनी भी कोऑपरेटिव बैंक हैं उन सभी को RBI की सुपरविजन, जैसे आपकी सिविल कॉमर्शियल बैंक को RBI निगरानी करता है, वैसे जितनी भी आप कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, क्योंकि बहुत सारी डिफॉल्ट हो रही थी रिसेंटली, तो गवर्नमेंट ने ये ऑर्डिनेंस पास कर दिया। और गवर्नमेंट कौन से आर्टिकल के तहत ऑर्डिनेंस लाती है? तो संविधान के आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि कैबिनेट की सलाह पर वो एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। अब टोटल 1540 यानी 1540 जो आपकी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो RBI के सुपरविजन के अंतर्गत आ जाएंगी। जो इसमें से 1482 यानी 1482 ये हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, साथ ही साथ 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। तो आप देखिएगा, बात करते हैं RBI की, तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं वो 25th RBI गवर्नर है, नाम है शक्तिकांत दास जी। जो आपकी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होती हैं वो RBI की सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड होती हैं, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने CGSSD यानी क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सब ऑर्डिनेट डेट स्टार्ट की है? तो रिसेंटली नितिन गडकरी जी ने CGSSD स्कीम लॉन्च की है MSME सेक्टर के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए, क्योंकि उसके मिनिस्टर यही हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान में कहा गया था कि जो भी स्ट्रेस्ड MSMEs हैं उनके लिए 20,000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड किया जाएगा, उसी के लिए इन्होंने CGSSD स्कीम लॉन्च कर दी है। तो आप देखिएगा, जितनी भी स्ट्रेस्ड MSMEs हैं यानी पहले से लोन ले चुकी हैं और लोन नहीं चुकता कर पा रही, तो उनको एक सर्टेन अमाउंट दिया जाएगा ताकि अपना वो बिजनेस वापस से स्टार्ट कर सकें। इस स्कीम को गारंटी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी? तो CGTMSE के द्वारा इस स्कीम को गारंटी प्रोवाइड की जाएगी। और CGTMSE SIDBI के अंतर्गत कार्य करता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, SIDBI के तहत ये कार्य करता है और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को जो है क्रेडिट कर जो क्रेडिट गारंटी होती है वो प्रोवाइड करता है। इसी के तहत इस स्कीम को भी क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड की जाएगी। स्कीम में कुछ कंडीशंस हैं, इसके तहत जो प्रमोटर्स होंगे उनको अपने शेयर होल्डिंग का 15% या 75 लाख तक का लोन लेने की परमिशन दी जाएगी इस CGSSD स्कीम में। उसके अलावा 7 वर्ष का मॉरिटोरियम पीरियड मिलेगा आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे, और 10 वर्ष का रीपेमेंट ऑप्शन मिलेगा, यानी इतना लंबा पीरियड दिया जा रहा है तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने देविका और उनेजा ब्रिज किस स्टेट या UT में इनॉग्रेट किए हैं? तो रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने जम्मू एंड कश्मीर में देविका और उनेजा ब्रिजेस का इनॉग्रेशन किया है। जो आपका देविका ब्रिज है वो 10 मीटर लंबा है और उनेजा ब्रिज आपका 50 मीटर लंबा है। जम्मू कश्मीर में ये दोनों ब्रिज जो है इनॉग्रेट किए गए हैं। इसको बनाया किसने है? तो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है। बात करते हैं BRO की, तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मोटो हमेशा एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आप याद रखिएगा, श्रमेण सर्वम साध्यम, ये है इसका मोटो। जो BRO है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह इसके डायरेक्टर जनरल हैं। और रिसेंटली इसका ब्रिज जो इन्होंने बनाया था देविका और पुनेजा, इसका इनॉग्रेशन जितेंद्र सिंह जी ने किया है जम्मू कश्मीर में, वर्चुअल तरीके से किया है, जायज है, वहां गए तो होंगे नहीं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री माली में किसने 500 मेगावाट का सोलर पार्क प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट जीता है? तो रिसेंटली NTPC ने माली में, ये है माली मैप में, वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है,
वहां पर 500 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जीता है। तो आप देखिएगा माली में अब सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए 500 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा? NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। NTPC की बात करें तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम आप याद रखिएगा, गुरदीप सिंह जी। और ये आप माली मैप में देख लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MSDE मिनिस्ट्री फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने स्किल बिल्ड री इग्नाइट प्लेटफॉर्म किस कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च किया है? रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने स्किल बिल्ड री इग्नाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है IBM के साथ मिलकर, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के साथ मिलकर। ये जो आपका स्किल बिल्ड री इग्नाइट प्लेटफॉर्म है मोस्टली जॉब सीकर्स के लिए, यानी जिनको जॉब ढूंढने की इच्छा है वो ये जो है खुद जाके उसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। एक तरह से ये एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसमें सभी तरह की जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा एनालिटिक्स है और मशीन लर्निंग है, इन सभी की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उन जॉब सीकर्स को आसानी से जॉब मिल सके। इसके लिए क्या करेगी, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है वो 10 वीक का यानी 10 वीक का स्किल बिल्ट इनोवेशन कैंप भी लगाएगी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे। अब IBM के साथ इन्होंने स्किल बिल्ट रीइग्नाइट के लिए पार्टनरशिप की है। तो IBM की आप याद रखिएगा 1911 में IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की स्थापना हुई थी। CEO इसके बहुत खास हैं, अरविंद कृष्णा नाम है उनका, इंडिया से बिलोंग करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने स्किल बिल्ट रीइग्नाइट के लिए IBM के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस प्रोवाइड कर दिया है। आपको पता नहीं कुशीनगर एयरपोर्ट किस स्टेट में स्थित है? तो कुशीनगर एयरपोर्ट UP में स्थित है। और जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज है उसको पता होगा कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करने की घोषणा कर दी है। ये मैप में है आपका लखनऊ, कुशीनगर यहाँ पे है कहीं गोरखपुर के आसपास, गोरखपुर देवरिया के आसपास। देखिए बात करते हैं यूपी की, तो दो दिन पहले मैंने आपको बताया था, दो दिन पहले क्या मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था यूपी में कोविड सहायता डेस्क स्थापित किए गए हैं। क्या कोविड सहायता डेस्क किस स्टेट में स्थापित किए गए हैं? यूपी में। उसके अलावा मनरेगा के अंतर्गत टॉप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला स्टेट कौन बन गया है? यूपी बन गया है। और यूपी की जो कैपिटल है यहाँ पे एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, क्या नाम है उसका? KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। उसने कम्युनिटी रेडियो स्टार्ट किया है लोगों को COVID-19 के विषय में अवेयर करने के लिए। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी के CM आप सभी को बताओगे योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने कोरोना बहुत अच्छा कवर किया है। थैंक गॉड कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और इसमें यूपी में हूँ, लेकिन बाकी लोग भी कोशिश कर रहे हैं अलग अलग स्टेट के, देखते क्या होता है। गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल जी, और यूपी का जब भी नाम आए तो इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी जी यूपी में बनी थी। फर्स्ट फीमेल गवर्नर भी आपकी यूपी में बनी थी, उनका नाम क्या था? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OBC पैनल को कितने टाइम के लिए एक्सटेंशन दिया गया है? तो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन यानी तारीख पे तारीख मिल रही है इनको, 6 महीने के लिए और एक्सटेंशन दे दिया गया है। अब ये जनवरी 2021 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। बनाया किस लिए गया था OBC पैनल? बनाया गया इसलिए था कि जो भी OBC ऐसी जातियाँ हैं जिनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल रहा है, आप ये एनालिसिस करिए कैसे उन जातियों तक भी रिजर्वेशन का फायदा पहुँचाया जा सकता है। इसके लिए जो दिल्ली हाई कोर्ट है इसकी रिटायर्ड चीफ जस्टिस जी रोहड़ी की अध्यक्षता में एक पैनल बनाया गया था 2017 अक्टूबर में। अभी तक ये पैनल का एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता जा रहा है। आगे देखिएगा इस पैनल की अध्यक्षता कौन किसके पास है? जी रोहड़ी जी के पास, और ये दिल्ली हाईकोर्ट की रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं। आर्टिकल 340 यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत ये पैनल बनाया गया है। OBC जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको रिजर्वेशन इक्वली प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने अमाउंट का AHIDF यानी एनिमल हस्बेंड्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्रिएट किया है? तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15,000 करोड़ का AHIDF क्रिएट किया है एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। ये फंड बनाया गया है और जो भी प्रोजेक्ट इसके तहत बनाए जाएंगे इस फंड के द्वारा उन सभी को 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उस पर 2 वर्ष का मॉरिटोरियम प्रोवाइड किया जाएगा और 6 ईयर का रीपेमेंट ऑप्शन मिलेगा। तो आप देखिएगा एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए AHIDF यानी एनिमल हस्बेंड्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है 15,000 करोड़ का। उसके अलावा एक और फंड आप देखिएगा MSMEs को क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करने के लिए एक क्रेडिट गारंटी फंड बनाया गया है 750 करोड़ का।
लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसको नाबार्ड मैनेज करेगी। तो इसी कैबिनेट कमेटी में जो है ये भी डिसाइड हुआ था 750 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड एमएसएमईज के लिए बनाया गया है, जिसको नाबार्ड द्वारा मैनेज करा जाएगा। और ये एमएसएमईज स्पेसिफिकली एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में काम कर रही हूँ, ऐसी एमएसएमईज के लिए बनाया गया है। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको एनिमल हस्बेंड्री फिशिंग और डेयरिंग मिनिस्टर तो याद ही है, गिरिराज सिंह इसके मिनिस्टर हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आषाढ़ी बीज फेस्टिवल ये इंडिया के किस रीजन में ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष इंडिया के वेस्ट रीजन में, जिसको हम गुजरात के नाम से जानते हैं, यहाँ के कच्छ रीजन में आषाढ़ी बीज फेस्टिवल मनाया जाता है। जो कच्छी लोग होते हैं उनका न्यू ईयर स्टार्ट होता है बरसात के मंथ में, उसी दिन आषाढ़ी बीज फेस्टिवल मनाया जाता है। पहले देखिएगा, अगर गुजरात की बात करें तो इस समय चर्चा में इसलिए है क्योंकि गुजरात के फिफ्थ लोकायुक्त, जिनका नाम है राजेश शुक्ला, उनको अपॉइंट किया गया है। तो गुजरात के फिफ्थ लोकायुक्त कौन बने हैं? राजेश शुक्ला जी। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि गुजरात में ही ताप्ती रिवर पर उकाई डैम जो है, उकाई डैम, उसका वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था गुजरात में जो गिर नेशनल पार्क है उसमें जो लायन पॉपुलेशन है वो 29% बढ़कर 674 हो गई है, पहले ये 523 थी। इसका मतलब 29% की ग्रोथ देखी गई। और मैंने एक फैक्ट आपको बताया था गुजरात के विषय में, खैर काफ़ी सारे फैक्ट हैं लेकिन आप याद रखिएगा, गुजरात की जो कोस्टल लाइन है वो इंडिया की लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है किसी भी स्टेट की, आप याद रखिएगा। सीएम कौन है? विजय रूपाणी जी। और गवर्नर है यहाँ के आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने किस कंट्री में काम करने के लिए OVL यानी ONGC विदेश लिमिटेड के लिए 121.27 मिलियन डॉलर का फंड रिलीज किया है? तो रिसेंटली म्यांमार में ONGC विदेश लिमिटेड के काम करने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने 121.27 मिलियन डॉलर का फंड अनाउंस किया है या रिलीज कर दिया है। देखिए जो ONGC विदेश लिमिटेड यानी ONGC की एक सब्सिडी है, काफ़ी समय से म्यांमार में ऑयल एक्सप्लोरेशन, गैस एक्सप्लोरेशन का काम कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने म्यांमार के लिए 121.27 मिलियन का फंड रिलीज कर दिया है। म्यांमार इस समय इसलिए भी चर्चा में है, कुछ दिन पहले इसकी मिलिट्री ने फेक न्यूज़ को कर्व करने के लिए वापस से फेसबुक ज्वाइन करने का अनाउंसमेंट किया था। उसके अलावा म्यांमार एक ऐसा कंट्री वर्ल्ड का बन गया है जहां पर लॉन्गेस्ट टाइम के लिए इंटरनेट ब्लैकआउट हो गया है, यानी कि आज तक सबसे लंबे समय तक अगर किसी कंट्री में इंटरनेट ब्लैकआउट रहा है तो वो हो गई म्यांमार। अगस्त 2019 से इसके अराकान क्षेत्र में इंटरनेट बंद है, और ख़ास बात यह है कि अभी तक इंटरनेट बंद है। तो आप देखिएगा वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट इंटरनेट ब्लैकआउट किस कंट्री में हुआ? तो म्यांमार में। म्यांमार की बात करें तो कैपिटल यहाँ की नेपेदाउ है, करेंसी है इसकी बर्मीज क्यात, और इसके प्रेसिडेंट हैं विन मिंट, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डे ऑफ सी फेयरर ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 25 जून को डे ऑफ सी फेयरर्स, या फिर आप ये कह सकते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयरर्स ऑब्जर्व किया जाता है। इसको मनाया किस किया जाता है? तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO के द्वारा इसको मनाया जाता है। 2011 में फर्स्ट टाइम मनाया गया था। इस बार का थीम आप याद रखिएगा, सी फेयरर्स आर की वर्कर्स, ये है इस बार का थीम। क्या? सी फेयरर आर की वर्कर्स, ये आपके डे ऑफ सी फेयरर का थीम है। बात करते हैं IMO की, क्योंकि IMO इसको मनाता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आप याद रखिएगा लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मालेबोन क्रिकेट क्लब है इसके 233 वर्षों की हिस्ट्री में पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनेंगी? सेलेक्ट कर ली गई हैं, नेक्स्ट ईयर बनेंगी। तो इनका नाम है क्लेयर कॉनर, ये हैं आपकी क्लेयर कॉनर, ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं, फीमेल क्रिकेट टीम की कैप्टन। जो आपका मालेबोन क्रिकेट क्लब है ये लंदन का जो लॉर्ड्स मैदान है वहाँ पे स्थित है। अभी तक जब से इस्टेब्लिश हुआ है, 1787 में इस्टेब्लिश हुआ था, तब से लेकर अभी तक कोई भी फीमेल इसकी प्रेसिडेंट नहीं बनी थी। बात तो ये भी है कि अभी तक कोई भी नॉन ब्रिटिश भी इसका प्रेसिडेंट नहीं बना था, लेकिन दो वर्ष पहले ही कुमार संगाकारा जो कि श्रीलंका के क्रिकेटर हैं उनको इसका प्रेसिडेंट बना दिया गया था। इस वर्ष उनका जो है टर्म एक्सपेंड कर दिया गया था एक वर्ष के लिए, तो फिर से वो दोबारा प्रेसिडेंट हो गए कुमार संगाकारा इसके। तो वो फर्स्ट नॉन ब्रिटिशर्स थे जो इस माले बॉन क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट बने थे। मैं ये प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ हालांकि कुमार संगाकारा के विषय में। अब आप याद देखिएगा फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनने जा रही है माले बॉन क्रिकेट क्लब की, कौन? क्लेयर कॉनर, ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं। और मालेबोन क्रिकेट क्लब 1787 में स्थापित हुआ था, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजोन ने कितने अमाउंट का क्लाइमेट प्लेज फंड बनाया है? तो रिसेंटली क्लाइमेट
प्लेज फंड बनाया गया है अमेजोन के द्वारा, कितने का? $2 बिलियन का। पर्पस क्या है? क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए और ग्रीन एनर्जी को डेवलप करने के लिए ये क्लाइमेट प्लेज फंड जो कई सारे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं उनमें इन्वेस्ट करेगा, या फिर आप यहाँ जाके लोन भी ले सकते हैं $2 बिलियन का। $2 अरब हो गए, आप याद रखिएगा। तो अमेजोन द्वारा बनाया गया है आपका क्लाइमेट प्लेस फंड। बात करते हैं अमेजोन की, तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके CEO एंड फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस। रिसेंटली फोर्ब्स ने top 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट जारी की थी, जिसमें जेफ बेजोस ने टॉप किया था और 9th नंबर पे हमारे इंडिया से थे वर्ल्ड में मुकेश अंबानी। तो आप देखिएगा। और ये जो आपका अमेजोन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? Washington DC में इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछ लें इसका लार्जेस्ट ऑफिस कहाँ है वर्ल्ड का, तो हमारे हैदराबाद में इसका लार्जेस्ट ऑफिस है अमेजोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटक महिंद्रा बैंक के बाद किस बैंक ने वीडियो KYC अनाउंस किया है, यानी वीडियो के माध्यम से नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन करेगा। रिसेंटली ICICI बैंक ने अनाउंस किया है कि वो वीडियो KYC लॉन्च करेगा। कुछ दिन पहले ही वॉइस KYC लॉन्च की थी आपके, सॉरी वॉइस नेट बैंकिंग लॉन्च की थी हमारे ICICI बैंक ने, अब इन्होंने वीडियो KYC लॉन्च कर दी है। याद रखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक इंडिया का फर्स्ट बैंक था जिसने वीडियो KYC लॉन्च की थी। बात करते हैं ICICI बैंक की, इंडियन क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और वर्तमान में इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं संदीप बख्शी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसको मैनेज कौन करेगा? तो IRCS इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इसको मैनेज करेगी। इसको डेवलप किसने किया है ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप को? तो CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसकी जो एक टीम है उसका नाम है ई रक्तकोष, उसके द्वारा इस ऐप को डेवलप किया गया है। बात करते हैं CDAC की, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ये कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। 1988 में राजीव गांधी जी के कहने पे इसकी स्थापना हुई थी और जो सुपर कंप्यूटर परम वगैरह थे ये सब CDAC में ही बनाए गए थे। रिसेंटली इसने ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। इमरजेंसी सिचुएशन में आप इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से इस ऐप के द्वारा 4 यूनिट ब्लड ले सकते हैं कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक फूड एंड स्पाइसेस ऑफ इंडिया पर वेबिनार किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने रिसेंटली देखो अपना देश वेबिनार के तहत ही वैदिक फूड एंड स्पाइसेस ऑफ इंडिया पर वेबिनार लॉन्च किया। आप सभी को मैंने पढ़ाया था कि देखो अपना देश वेबिनार सीरीज लॉन्च की गई थी टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा, उसी के एक पार्ट के रूप में वैदिक फूड एंड स्पाइसेस ऑफ इंडिया पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने वेबिनार ऑर्गेनाइज कर दिया। सेमिनार में लोग फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं और वेबिनार में लोग वर्चुअली प्रेजेंट रहते हैं, सिर्फ इतना अंतर होता है। जब भी टूरिज्म मिनिस्ट्री का बात आए तो आप देखिएगा, जो फॉरेनर हमारे इंडिया में फंसे हुए थे लॉकडाउन के दौरान, उनको बाहर निकालने के लिए स्ट्रैंडेड इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इनिशिएटिव स्टैंडर्ड इन इंडिया भी लॉन्च किया गया था हमारे टूरिज्म मिनिस्ट्री द्वारा। टूरिज्म मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल, ये कल्चर मिनिस्टर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया टीवी रिपोर्ट 2020 ये हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जारी की गई है। आप उतना इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में टीवी के कितने पेशेंट हैं? तो इस बार 24 लाख, अगर फिक्स बात करें तो 24.04 लाख, यानी 24,04,000 लोग इंडिया में इस समय टीवी से प्रभावित हैं। जो ये रिपोर्ट 2020 जारी की है इसमें दिसंबर 2019 तक का डाटा अवेलेबल है। देखिए 2018 से अगर कंपेरिजन किया जाए तो 2019 में टीवी केसेस में यानी टीवी पेशेंट्स में 14% का ग्रोथ देखा गया है। तो 24,04,000 लोग इस समय भी इंडिया में टीवी से प्रभावित हैं। आप यह देखिएगा, टीवी पेशेंट्स को और उनका डाटा कलेक्ट करने के लिए, टीवी पेशेंट को डिफरेंट टाइप की मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए और उनका डाटा कलेक्ट करने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ने निक्षय पोर्टल लॉन्च किया था। किसके लिए? टीवी पेशेंट्स के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने निक्षय पोर्टल लॉन्च किया था। तो आप ये जरूर याद रखिएगा। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इंडिया का लक्ष्य 2025 तक टीवी को समाप्त कर देना है इंडिया से। मुझे कभी नहीं लगता ऐसा। इसके अलावा जो आपका SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें ये कहा गया है 2030 तक टीवी को समाप्त करना है। इंडिया का टारगेट तो पहले है लेकिन इंडिया 2030 तक भी अचीव कर पाएगी ये संदेह का कारण है। ये है प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन और ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।